क्या गांगुली के लिए गेम ओवर या आगे और कुछ? बीसीसीआई की सत्ता में होगा बड़ा परिवर्तन, तो क्या होगा गांगुली का अगला मिशन? बीसीसीआई में क्या होने जा रहा है, जानिए हर सवाल का जवाब। बोर्ड फॉर क्रिकेट कंट्रोल इन इंडिया यानी कि बीसीसीआई में बड़ा फेरबदल होने जा रहा है। बोर्ड अध्यक्ष और पदाधिकारियों के लिए चुनाव के लिए नामांकन भरा जाना है। खबर है कि रोजर बिन्नी अध्यक्ष पद के लिए नामांकन भर रहे हैं, यानी उनका अगला अध्यक्ष बनना तय है। तो क्या करंट बॉस सौरभ गांगुली दादा का गेम ओवर या आगे कुछ और होना बाकी है? आइए जानते हैं अंदर की बात। पहले जान लेते हैं कि और कौन कौन नामांकन कर रहा है। गृह मंत्री अमित शाह के पुत्र जय शाह दोबारा सचिव के लिए पर्चा भरेंगे। तो वहीं महाराष्ट्र से बीसीसीआई के कोषाध्यक्ष पद के लिए बीजेपी विधायक आशीष शेलार के पर्चा भरने की भी चर्चा है। सूत्रों की माने तो जय शाह और खुद सौरभ गांगुली की नजर आईसीसी चेयरमैन के पद पर है। माना जा रहा है कि सौरभ गांगुली को आईपीएल का चेयरमैन या आईसीसी की कुर्सी मिल सकती है। सूत्रों से ये भी पता चला है कि चुनाव से पहले गांगुली से जय शाह ने लंबी बातचीत की है और उन्हें आईपीएल का चेयरमैन बनने का ऑफर दिया है। हालांकि खुद गांगुली की इच्छा बीसीसीआई अध्यक्ष या आईसीसी में पद संभालने की है। गांगुली को आईसीसी चेयरमैन बनाने के लिए अभी से सक्रियता शुरू कर दी गई है। किस पद के लिए किसका नाम चल रहा है आगे? रोजर बिन्नी, बीसीसीआई अध्यक्ष, जय शाह सचिव, राजीव शुक्ला उपाध्यक्ष, देवजीत सैकिया संयुक्त सचिव का नामांकन भर सकते हैं। आशीष सिलार कोषाध्यक्ष के लिए नाम आगे है। तो फिर कौन होगा आईपीएल का चेयरमैन? गांगुली अगर आईपीएल चेयरमैन का पद संभालने के लिए तैयार नहीं होते हैं तो अरुण धूमल को ये पद मिल सकता है। यहाँ तक कि उनके नाम पर मुहर लग चुकी है। दरअसल गांगुली को आईपीएल चेयरमैन के लिए प्रस्ताव दिया गया है, लेकिन वह इसमें ज्यादा दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं। उनकी इच्छा आईसीसी में पद संभालने की है। सौरभ गांगुली क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन के असली बॉस बनकर उभरे हैं और बीसीसीआई के बाद आईसीसी बॉस बनना क्रिकेट जगत में भारत का सिक्का जमाएगा।